व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं शुभम सदैव। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल ऐप्स की, और मेरे को 100% गारंटी आपको ये सभी ऐप बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। सो बात करते हैं हमारे पहले ऐप की, जिसका नाम है वाई म्यूज़िक, जो कि अगर आप जिम वगैरह जाते हो, वर्कआउट करते हो या नॉर्मली म्यूज़िक सुनते हो यार, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये ऐप होने वाला है। तो एक्चुअल में ये एक म्यूज़िक प्लेयर है, एक यूट्यूब म्यूज़िक प्लेयर है। वाई म्यूज़िक मतलब कि यूट्यूब म्यूज़िक प्लेयर। सो ये यूट्यूब की वीडियोज़ को म्यूज़िक में कन्वर्ट कर देता है। सो आप कोई भी गाना सर्च करोगे, मोस्ट प्लेड यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, लाइक कोई भी लेटेस्ट गाने हैं आपके रीजन के हिसाब से, अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हो उस हिसाब से आपके यहाँ पे गाने आ जाएंगे, आपकी लोकेशन के, आपकी कंट्री के हिसाब से, और आप सिंपल से उसको प्ले कर सकते हो यार, बहुत ईजी। और सबसे अच्छा काम इसका क्या है, आप गाना प्ले करके बैकग्राउंड में भी उसको प्ले कर सकते हो। तो जी हाँ, कुछ इस तरह से बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, और गाना आगे पीछे जो करना है आप कर सकते हो, मतलब कि स्क्रीन बंद करो, कुछ भी करो, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हमें ज़्यादा इसमें फंक्शनैलिटी मिलती है, जो कि आम YouTube ऐप में हमें मिसिंग है, अगर आप सिर्फ गाने सुनने के लिए YouTube इस्तेमाल करते हो। और इसका साइज़ भी बहुत कम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हमारा ऐप नंबर 2 रिप्लाई बाय गूगल। सो इसके कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बट इसकी फंक्शनैलिटी बहुत है। ये आपके फ़ोन को थोड़ा सेंस देता है, मतलब कि अगर आपको कोई SMS भेजता है, WhatsApp मैसेज भेजता है, या कुछ भी भेजता है, ये अपना AI यूज़ करेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, गूगल का ऐप है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने डाला ही होगा इसमें। आप इसको एक बार डाउनलोड करके देखिए, आपको फिर पता लगेगा ये ऐप करता क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। आपने देखा होगा Gmail में ऑटो रिप्लाई का सिस्टम है, आपको सजेशंस देता है कि आप इस बंदे को ये रिप्लाई करो, और 99% वो रिप्लाई ऑब्वियस होते हैं जो कि हम उस बंदे को करने वाले होते हैं, मतलब कि ये आपके सिस्टम को थोड़ा सा हैंडी कर देगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, और अलग सी फील देगा। और हमारे 3rd नंबर का ऐप है, सो इसका नाम है NetGuard। सो NetGuard अगर आप PUBG वगैरह खेलते हो, आपके लिए ये जन्नत है, जन्नत। सो आपको जस्ट इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद ये VPN अपना एक्टिवेट कर देगा, जिससे स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी आपको इंटरनेट डिसेबल करना है जिन एप्लीकेशंस का आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही इंटरनेट यूज करती है बैकग्राउंड में। सो आप उसको फिलहाल डिसेबल कर दी, लाइक मेरे को पता है Amazon सर्विसेज मेरा काफी, Amazon का जो कि स्टोर है बहुत इंटरनेट यूज़ करता है, एप्टोइड बहुत इंटरनेट यूज़ करता है। सो जो आपको लगता है बैंगुड हुआ, सो ऐसे जो भी एप्लीकेशंस है मेरे को पता है ये बहुत ही इंटरनेट यूज़ करते हैं। क्रोम वो ऑब्वियसली पीछे रन करते रहते हैं, पता नहीं ये क्या ढूंढते हैं। सो अभी क्या करें, अगर मैं Amazon स्टोर खोलूँगा, आप देख सकते हो मेरा Amazon नहीं खुल रहा, क्योंकि अभी मेरा इंटरनेट एक्टिवेट है बट फिर भी नहीं खुल रहा, क्योंकि उसने ये ब्लॉक कर रखा है। और इससे मेरा नेट भी सेव होएगा, मेरा 1.5 GB भी सेव होएगा, और मेरा अगर मैं कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, लाइक यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, अभी यूट्यूब पर मेरी स्पीड भी अच्छी आएगी, क्योंकि वो पीछे जो बैकग्राउंड की एप्लीकेशन है उनको नेट नहीं मिल रहा, तो वो सारा जो कि उनकी सारा हमारे बैंड्स हैं वो हमें इस एप्लीकेशन में मिलेंगे। सो आप देख सकते हो मेरा Amazon नहीं खुल रहा, बट मेरा यूट्यूब खुल रहा है। सो हमारा अगला ऐप है, जो कि हमारा 4th नंबर का ऐप है, इसका नाम है कॉल इंडिया। सो ऑब्वियसली ये था तो स्क्रीन अपना वॉइस रिकॉर्डर, बट पता नहीं ये कैसे अलग से फंक्शनैलिटी कर रहा है। और यहाँ पे अभी करना क्या है, हमें जब साइन इन करना है, साइन इन करते वक्त आपको कोई भी नंबर भरना है, हो सकता है आप अपने दोस्त का नंबर भर दीजिए, जी हाँ, आपको कोई इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो उसके बाद क्या होएगा, आपको किसी को भी कॉल में लाना है, अगर आपने यहाँ पे अपना हाइड ऑप्शन ऑफ नहीं कर रखा तो उसी नंबर से उस आगे वाले को कॉल जाएगा। मतलब अगर आप अपने दोस्त का नंबर यहाँ पे भर दें, 100 नंबर पुलिस का भर दें, तो पुलिस के नंबर से ही आपके दोस्त को कॉल चला जाएगा, जो कि बहुत ही मज़े वाला प्रैंक होने वाला है। सो इसको अभी क्या करना है, आपको सबसे पहले तो कोई भी नंबर भर देना है। मैंने जैसे हाइड ऑफ कर रखा है, सो मैं अपने नंबर भरता हूँ इसी फ़ोन का। सो जैसे मैं भरता हूँ, आप देख सकते हो उसी नंबर पर मेरे को कॉल आ गया है, जिस नंबर पर मैंने इस पर अकाउंट बनाया था, और वो अकाउंट वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है। सो हमारा अगला ऐप है, ये एक बहुत ही स्पेशल ऐप है, क्योंकि इस पे हमें प्ले स्टोर के ऐप फ्री में मिल जाते हैं, जिस पे लाइक प्ले स्टोर पे काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं जिन पे सेल लगी होती है, तो वो हमें यहाँ पे लिस्टेड आ जाएंगे कि इस पे सेल लगी है, और ये ऐप अभी फिलहाल लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है, तो आपको ये प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस कट होकर इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है। तो काफ़ी फेमस ऐप है ये पावर एम का। सो पावर एम जो म्यूजिक प्लेयर है, इसका प्रो वर्जन अभी मेरे को फ्री का मिल रहा है, और काफ़ी लोग इसको क्रैक यूज़ करते हैं और बहुत सी यूज़ करते हैं, तो अभी आपको जरूरत नहीं है। अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हो तो ईजिली डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो आप सभी ये ऐप वगैरह। सो इसी तरीके से मेरे को और भी काफ़ी सारे यहाँ पे एप्लीकेशन से आए, कोई भी मैं चाहूँ अगर इसको इंस्टॉल करना, सो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, अगर मेरे को अच्छी एप्लीकेशन लगती है कि हाँ ये वर्थ है एप्लीकेशन,
ट्राई देने के। सो आप यहाँ से वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक अगर मैं कोई भी देखूँ, लाइक ये आइकन पैक, सो ऑब्वियसली बात है गूगल प्ले स्टोर पे ही खुलेगा जाके, बट अगर अभी सेल लगी है तभी खुलेगा। ठीक है, अभी सेल लगी है तो अभी इसको मैं फ्री में इंस्टॉल कर सकता हूँ। आप देख सकते हो पैसे इकट्ठे होके 20 रुपये अभी इंस्टॉल का ऑप्शन सीधा आ गया मेरे पास। सो कुछ इस तरह के ये ऐप्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ऐप आपको बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आए हो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सब्सक्राइब।